हेलो लर्नर्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं ये बताने जा रही हूँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्राइसिस को रिड्यूस करने के काम में आते हैं इनकी हेल्प से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक इजीली फाइंड कर सकते हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेश रो ट्रांसफॉर्मेश तीन तरह के होते हैं जिसमें पहला है आर आई जे। ये इंटरचेंज का साइन है और आर आई इंटरचेंज टू जे, यानी हम किसी मैट्रिक्स में किसी एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ हम एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेते हैं ए इज इक्वल टू वन टू थ्री थ्री फोर सिक्स टू टू एट ये एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां थ्री रोज और थ्री कॉलम्स है हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टली ये रो को रिप्रेजेंट करता है सो दैट इट इज आर वन सेकेंड वन इज आर टू एंड थर्ड वन इज आर थ्री यहाँ तीन रोज हैं सिमिलरली वर्टिकली देखेंगे तो तीन कॉलम्स हैं सी वन सी टू एंड सी थ्री हम किन्हीं दो रोस को इंटरचेंज कर लेते हैं तो मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज करने के लिए लिखा है ये साइन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है तो अब हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी टू टू एट सेकेंड थ्री फोर सिक्स एंड थर्ड वन इज वन टू थ्री यानी जो फर्स्ट रो थी वो थर्ड रो से इंटरचेंज हो गई है अब सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है के इंटू आर आई के इज नॉट इक्वल टू जीरो तो के कोई कांस्टेंट है जो कि नॉन जीरो है नॉन जीरो कांस्टेंट को अगर हम किसी रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर के इन आर आई यानी हम आयत रो को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब आयत रो में हर एक एलिमेंट को किसी नॉन जीरो मल्टीपल के से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसे हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं अगर हमारे पास ए है टू एट नाइन थ्री फोर टू यहाँ पर टू रोज हैं और थ्री कॉलम्स हैं इसलिए इसका ऑर्डर टू क्रॉस थ्री है अगर हम यहाँ पर सेकेंड रो में टू से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम आर टू को लिख सकते हैं टू टाइम्स आर टू यानि कि हमने सेकेंड रो में टू का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो इसमें जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा टू फोर एट क्योंकि फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी और जो सेकेंड रो है थ्री फोर टू इसमें हम टू का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इससे हमें सिक्स एट और फोर मिलेगा k के प्लेस पर हम पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल जो भी रिक्वायर्ड हो वो नंबर यहाँ पर ले सकते हैं अब हम थर्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो यहां पर हम आर आई प्लस के आर जे लिख सकते हैं यानी किसी रो में किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं के टाइम्स मल्टीप्लाई करके यानी हम किसी रो को नॉन जीरो मल्टीपल के से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं यहां पर एक एग्जाम्पल से मैं इसे बताने जा रही हूं जैसे अगर हमारे पास एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है वन टू थ्री एंड फाइव तो इस मैट्रिक्स में दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं फर्स्ट रो वन टू है और सेकेंड रो थ्री फाइव है अब मैं यहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रही हूँ सेकेंड रो इसमें मैं चेंज कर रही हूं प्लस थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा वन टू और अब हमने किया है थ्री टाइम्स रो वन थ्री टाइम्स रो वन प्लस रो टू रो टू, टू इज थ्री फाइव और रो वन जो है उसमें थ्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभी हम लिख सकते हैं आर टू और थ्री टाइम्स आर वन यानी थ्री और सिक्स तो अब हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे इनका सम करने से वो सिक्स और इलेवन होंगे तो इस वजह से हम यहाँ पर सिक्स एंड इलेवन लिख सकते हैं ये सभी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं तो इन शॉर्ट हम तीन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज दूसरा है अगर के कोई नॉन जीरो मल्टीपल हो तो किसी भी रो से उसे हरेक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और थर्ड है जब हम किसी रो में किसी दूसरी रो को के टाइम्स करके ऐड कर देते हैं जिस तरह से हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन देखे सिमिलर मैनर में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किए जा सकते हैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है सी आई इंटरचेंज टू सीजे यानी अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है टू फोर एट एट और हम इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं सी वन और सी टू में तो हम लिखेंगे सी वन इंटरचेंज टू सी टू और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा फोर एट टू एट के यानी हमने इस कॉलम को इसके प्लेस पर लिख दिया और इसे पहले वाले के प्लेस पर और इंटरचेंज तो मैट्रिक्स दिस अब सेकेंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है आयत कॉलम इनटू के जहां के कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है अगर हम इस मैट्रिक्स में सी वन को सी वन इंटू वन बाई टू कर दें तो हमें जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा वन एंड फोर फोर एंड एट यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स टू और एट को हमने टू से डिवाइड कर दिया इसी तरह से थर्ड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है सी आई प्लस के इन सी जे यानी आयत कॉलम में जेयत कॉलम को k टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया है अब यहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख रही हूं सी वन सी वन प्लस टू टाइम्स सी टू तो इस कंडीशन में सीवन हमारे पास टू और एट है तो टू और एट एलिमेंट लिख लिया हमने सीवन के प्लेस पर टू टाइम्स सी टू टू टाइम्स सी टू यानी जो कॉलम टू है उसमें टू का मल्टीप्लीकेशन यानी एट और सिक्सटीन हो जाएगा और अब हमें इनको ऐड करके C1 के प्लेस पर लिखना है तो यहाँ टू प्लस एट टेन हो जाएगा और एट प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फोर कॉलम टू के एलिमेंट्स अनचेंज रहेंगे यानी फोर और एट तो इस तरह से हम एलिमेंट्री रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म कर सकते हैं इक्विवेलेंट वैट्राइसिस वो मैट्रिक्स हैं जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से हमें मिलते हैं अगर हमें ए मैट्रिक्स पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से बी मैट्रिक्स मिला है तो उसे हम ए इज equivalent टू बी इस तरह के नोटेशन से डिनोट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने से मैट्रिक्स की रैंक अनचेंज्ड रहती है इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग